सीन आज ये होगा कि आज है हमारा एक जॉब इंटरव्यू जिसको आप अभी मैंने बालों को ड्राई करना है एंड देन इसकी मदद से मैंने उनको स्ट्रेट करना है, तो लेट्स बिगिन। इंटरव्यू का टाइम था सर, वो गुजर गया 9 AM का। आपको टेक्स्ट किया हुआ था आप लोग लेट हो। क्या अपने एजेंसी होती हैं जो वर्क दिलवाती हैं आपको, ठीक है, लाइक टास्क मास्टर है, लीफ रिक्रूटमेंट है। आपके अंदर वो बात होनी चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए काम करने का, काम मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। सुबह के बज रहे हैं 5:15 और सीन ऐसे है कि हमने रोज़ा रख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सीन आज ये होगा कि आज है हमारा एक जॉब इंटरव्यू जिसको आप इंडक्शन भी कह सकते हैं या से जॉब सिलेक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन वो है सुबह के 9 बजे और वो है यहाँ से थोड़ा सा दूर, ऑलमोस्ट कोई 2 आवर्स का ट्रैवल है बस पे, तो हमको डेफिनेटली जल्दी निकलना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैं गया था, अभी उसकी स्टोरी एक अलग है। ट्यूसडे को जब मैं गया था मैं थोड़ा लेट हो गया था, दैट्स वाई वो आपको रास्ते में बताऊँगा, अभी टाइम कम है। तो अभी हमें जाने से पहले रेडी भी होना है, क्योंकि ये तो जीन्स की जैकेट है और कपड़े वगैरह मैंने पहने हैं, और जो मेरे बाल है ना, जो हेयर ब्रश है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, उससे ये ऐसे ऐसे हो जाते हैं एक न्यू डोर के पीने जैसे हो जाते हैं। लेकिन अब मैं इनको आज थोड़ा सा कुछी पुछी करके जाऊँगा, बिकॉज़ यू नो जॉब इंटरव्यू है तो इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए। तो जल्दी से रेडी होते हैं, मेरे पास सिर्फ 15 से 20 मिनट हैं, 6 बजे स्टेशन से बस जानी है। अगर मैं अपना लेट हुआ तो वो निकल जाएगी, तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टेप 1 डन, रेडी हो लिया मैंने, ऑलमोस्ट नहीं रेडी नहीं चेंज कर लिया। तो ये है जी सामान जिससे स्टेप 2 होना है। ये जो ब्रश था ना, मेरे बाल हैं ज़रा देसी आपको पता ही है, तो इससे तो वो इतने गुंजल और इतने कर्ली हो जाते थे कि ना पूछें। कल मैं ये लेके आया हूँ अपने लिए स्पेशल कंघी पाकिस्तान वाली, तो अभी मैंने बालों को ड्राई करना है एंड देन इसकी मदद से मैंने उनको स्ट्रेट करना है, तो लेट्स बिगिन। यूजुअल ड्राई करने के बाद बम फूट गया, नाउ स्टेप 2। तो गाइस हमारे पास टाइम थोड़ा, इसलिए मैंने 7 मिनट में जैसे भी हुए वो कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर। आज एक स्पेशल डे है मेरे लिए, दैट्स व्हाई मैं अपने स्पेशल वाले शूज़ पहनूंगा, आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए मैं शूज़ स्पेशली पाकिस्तान से लेके आया था, मैं यहाँ पे ना ये बड़े कम पहनता हूँ। ये कि आई डोंट वांट ये ख़राब हो जाए जल्दी, जब तक कि मैं ऐसे एक और ना ले लूँ। डन विद द शूज़। ये देखें जी सुबह हो रही है, भाई आपका तैयार शहर हो के पप्पू बच्चा बन के निकला था, लेकिन ये बारिश ने ना सारी तैयारी को मलया मेट कर दिया। अभी भी हल्की हल्की हो रही है, यूके की ये बात सबसे ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, और कुछ मैं लेट भी हो रहा हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, तो हम फाऊँ हूँ ये ना समझना मुंडा नशा करता है। तो सीन क्या हुआ था ट्यूसडे वाले दिन, वो मैं आपको इंशाल्लाह बस स्टेशन पहुँच के बताता हूँ, क्योंकि अभी लेट हो रहे हैं तो वहाँ जल्दी पहुँचना जाना ज़रूरी है। रूम में बड़ा मैं टी शर्ट पहन के बैठा था, लेकिन यहाँ जब बाहर निकलते हैं ना तो ऐसे ही अपने आप को कवर करके निकलना पड़ता है, क्योंकि इतनी सर्दी होती है ना, अदरवाइज आपका तो काम हो गया। 15 मिनट लगे हैं हमें यहाँ पैदल आते आते, अब हमें जल्दी से जाना प्लेटफॉर्म Z की तरफ। एक बस 6:01 पे जा रही है, एक बस जो है 24 मिनट बाद जाएगी सेम रूट पे। जी गाइस तो हम लोग 8 मिनट पहले आ गए हैं पैदल चल के भी, तो मैंने ये देखा जब इंसान प्लानिंग से चलता है ना तो वो लेट नहीं होता, इसलिए अगर आप प्री प्लान करके चलते हो, प्री प्लान तो आप ना नुकसान नहीं खाते। अब सीन की बात करते हैं परसों की, ट्यूसडे को क्या हुआ था। यही गलती हुई थी कि प्री प्लान हमने नहीं किया, नवाब साहब आपका भाई अपनी मर्ज़ी से उठा फिर भी जल्दी था, 6 बजे उठ गया था, 6:15, हाँ 6:15 तो उठ के ना जाहिर है, तो मेरा रोज़ा स्किप हो गया था परसों, तो नाश्ता वगैरह करने में तैयार होने में रेडी होने में 7 से ऊपर टाइम हो गया। बस स्टेशन पहुँचते पहुँचते जो हमें बस मिली ना 8 बजे मिली, और उसने पहुँचाया हमें 9:40 पर लीड सिटी सेंटर। वहाँ से हमें सेकेंड बस लेनी थी जो कि
15 मिनट बाद आनी थी, वो हमें मिली 10 बजे, तो उसने 10:15 हमें पहुँचाया उस कंपनी में जहाँ मैंने जाना है। मैं आपको दिखाऊँगा आज कौन सी कंपनी है। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते 10:15 हो गए, तो उन्होंने बोला कि जो इंडक्शन का टाइम था, जो इंटरव्यू का टाइम था सर, वो गुजर गया। 9 AM का आपको टेक्स्ट किया हुआ था, आप लोग लेट हो, हम आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। लेकिन उन्होंने फिर भी थोड़ा बहुत इंटरव्यू कर लिया था, फेज़ 1 कह लें क्रॉस हो गई। उन्होंने कहा कि आपको दोबारा बुलाएंगे 1 या 2 दिन में। तो कल उनका दोबारा टेक्स्ट आया। अब आज हम लोग प्लानिंग के साथ आए हैं और अभी 6 मिनट पड़े हैं बस आने में, और मैं बस स्टेशन पे हूँ। चंद एक लोग ही बैठे हैं, और जो बैठे हैं वो भी ऐसे खामोश बैठे हैं, बिल्कुल तेरी चुपचाप डिसिप्लिन। तो अभी बस का वेट करते हैं। आज हम लोग लेट नहीं हैं, आज बस 4 मिनट लेट है, 6:05 पे। सेकंड फ्लोर ऑफ बस स्टेशन पे बारिश पीकते हैं, जगह जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना हो ना, तो अपना सारा स्ट्रेस रिलीज कर लें, और स्ट्रेस रिलीज करने के लिए इससे बेहतर जगह कोई भी नहीं है। सुबह के बज गए 7:30 एंड हम लोग लीड्स आ गए हैं, लेकिन बात अभी ये ख़त्म नहीं होती। हम लोगों ने अभी ये बस स्टैंड के बाहर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से दूसरी बस लेके हम लोगों ने जाना है फूड कंपनी, जो यहाँ से 2 miles अवे है। तो ये हमारी सेकेंड बस होगी। भाई ये गोरे देखो यार, सर्दी इतनी है, मैं कोट में मेरा मुंह जम रहा है, जो बर्फ मतलब कोट के बाहर है ना, तो मुझे इतने मेरे गुजरा है करीब से, ये टी शर्ट में जा रहा है भाई, क्या ही बात है यार। इनको सर्दी नहीं लगती, पता नहीं है की खाते ने, मैं ना ही कहाँ की खाते ने, लेकिन इट्स रियली हार्ड टू बी इन द टी शर्ट इन दिस मौसम। वी आर एट द डेस्टिनेशन, अब शुक्र अल्लाह का धूप निकलने लग गई है थोड़ी थोड़ी। मैं पूरे 8 बजे यहाँ आ गया था 1 घंटा पहले, आप इमेजिन करें। परसों मैं 1 घंटा 15 मिनट लेट आया था, और आज 1 घंटा पहले आ गया हूँ। ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का असर, यहाँ आप हर जगह जल्दी जाते हो। तो अभी टाइम पड़ा है, और शुक्र है ये धूप निकली, कोई सर्दी कम हुई है यार। आज काफ़ी सर्दी थी, सुबह बारिश हो रही थी, तो चिलिंग माहौल था पूरा। तो भाई आपका पूरा कोट शर्ट पहन के आया, और अभी वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बैठने की सीटिंग मिल गई है मुझे, अच्छी है, लेकिन ये अपना डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, वैसे भी अपना रोल है। एंड यहाँ पे पीछे पौधे हैं और ऊपर शेल्टर है, तो हवा भी नहीं लग रही, दैट्स व्हाई, तो अमेजी। और अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट करना है, अभी 8:15 से ऊपर टाइम हो गया, तो 15-20 मिनट में जाके उनसे बात करूँगा कि हम देर, और शायद और लोगों ने भी आना होगा, तो स्टार्ट करेंगे वो लोग डेफिनेटली 9 बजे का उन्होंने बोला था, तो जैसे स्टार्ट करेंगे अब उसके बाद आपको बताएंगे फिर। बाकी ये देखें जी, वो ये उल्टा करके कुछ लिखा हुआ है, ये इसको सीधा करके पढ़ लें। इस कंपनी में मैं आया हूँ, ये फिर गई दो देखें, ये है UK। सो आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड द कंपनी आफ्टर द इंडक्शन हैज़ बिन डन। यहाँ से एंट्रेंस का रास्ता है, और इंडक्शन पास हो गई है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो दे हैव टोल्ड मी कि जब शिफ्ट अवेलेबल होंगी तो वो लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे और हमको बुला लेंगे। इंडक्शन ईजी थी, डिफ़िकल्ट नहीं थी। उन्होंने एक हमको स्लाइड दिखाई एंड देन उन्होंने हमको एक टेस्ट वगैरह दिया, और वो टेस्ट हमने पास कर लिया। IQ आपको पता है आपके भाई का थोड़ा ठीक ठाक ही है। अभी बस आएगी, बस स्टेशन पे खड़ा हूँ ये देखें, तो बस आएगी, तो बस लेके हम लोग जो है इंशाल्लाह लीड सिटी सेंटर जाएंगे, और वहाँ से अपने घर की तरफ जाएंगे। टाइम हो गया 12 बज गए, और मैं 8 बजे यहाँ आया था, तो 4 घंटे में फ्री हो गए हैं। अब घर जाते जाते ऑलमोस्ट 2 या 2:30 बज जाएंगे, तो घर पहुँच के आपसे बात करते हैं या सफ़र में भी कर लेंगे। सो यार
वी आर गोइंग टू डिपार्ट इन नेक्स्ट 8 मिनट्स फ्रॉम हियर. अनटिल देन आई विल एंजॉय द व्यूज. फाइनली हम लोग गढ़ सीड की बस में आके बैठ गए हैं. ठीक है, यहाँ पे बसें ऐसे ही होती हैं, मतलब 8-10 लोग ही होते हैं एक फ्लोर पे. और बस ये लीड्स का बस स्टेशन है हमारे बैक पे भी और हमारे फ्रंट पे भी होगा, लेकिन मैं बैक कैमरे से नहीं दिखा सकता. गाइस यहाँ पे ना आपके भाई ने सुबह ये एक बस पास ख़रीदा 4.5 pounds का, इस पर लिखा होगा मे बी डे सेवर कहते हैं इसको. ठीक है, आज ये लिखा हुआ 4.5 pounds और ये वैलिड है आज के दिन के लिए, वैलिड है 12 बजे तक. और इस पर मैं वेस्ट यॉर्कशायर में जहाँ मर्जी ट्रैवल कर सकता हूँ पूरे दिन के लिए. ये एडवांटेज भी है कभी कभी जो लोगों को यूज़ करना होता है इसको बोलने दो. या तो ये एक अच्छा व्यू ले लो यार आप लोग बस स्टेशन का, हडर्सफील्ड का, एंड दिस इज सॉरी लीड्स का. दिस इज लीड्स एंड दिस इज बस. असी कल्ले ही राजे हैं इस बस दे. टाइम हो गया जी 12:30 का, तो अब चलते हैं. नहीं सॉरी, 1 बजने वाला, तो अब घर चलते हैं. एंड रास्ते में तो नहीं बनानी मैंने, ऐसे सुकून से जाते हैं. गाइस मेरा भी आप लोगों को मशवरा, जब आप न्यू आते हो ना तो ख़ुद को आप लोग रजिस्टर करो जो भी यूके आते हो. या अपने एजेंसी होती हैं जो वर्क दिलवाती हैं आपको. ठीक है, लाइक टास्क मास्टर है, लीफ रिक्रूटमेंट है, इस तरह की और बहुत सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो कि आपको काम दिलवाती हैं आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. ज़्यादातर वो मेरा उसका काम ही होता है, या किसी स्टोर में भी जॉब लगवा देते हैं वो लोग, एंड दे डोंट चार्ज एनीथिंग. तो उससे आपका बहुत फ़ायदा हो जाता है, आपको एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 2-3 weeks में वो कोई ना कोई जॉब लगवा देते हैं. खैर ये मुझे वेयरहाउस के थ्रू नहीं मिली, मुझे एक रेफरल फ्रेंड के थ्रू मिली है. लेकिन आपको एक वे आउट बता रहा हूँ, जो लोग नए नए आते हैं, स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं, तो यू शुड गो फॉर एजेंसीज, यू शुड ट्राई दैट एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब, डेफिनेटली. तो वी आर बैक एट द होम. तो गाइज वापसी पहुँचते मुझे ऑलमोस्ट 2 hours के करीब लग गए थे. एंड बाहर ठंड इतनी थी आज के आके मुझे, हालांकि मैंने काफ़ी मोटा जैकेट पहना हुआ था, बट मुझको सर्दी इतनी लग रही थी कि मैं बस घुस गया हूँ रजाई में. मैंने कहा अभी नहीं निकलना मैंने, और ना मैंने वीडियो बनाई है ना कुछ और किया, बस लेट गया हूँ. और अभी रोज़ा इफ्तार हुआ है तो मैंने इफ्तारी की है और नमाज़ पढ़ी है, एंड उसके बाद मैंने कहा चलो वीडियो कम्प्लीट कर लेते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडक्शन आज हो गई और शिफ्ट के लिए कॉल भी आ गई है. ठीक है, तो देर कॉलिंग मी फॉर टुमारो शिफ्ट एंड द कंपनी इज़ रियली नाइस. सी सो आई सजेस्ट यू टू अप्लाई फॉर सच कंपनीज वाया एजेंसीज और वाया डायरेक्ट इफ़ इट्स पॉसिबल. तो आपको इंशाल्लाह जॉब जल्दी मिल जाएगी. एंड दूसरी बात ये है कि यार लोगों के कमेंट से डिमोटिवेट ना हो. लोग कहते ही रहते हैं कि यूके में कुछ नहीं पढ़ा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. डेफिनेटली आपको स्ट्रगल्स शुरू में आपको फेस करनी पड़ती हैं, कोई मसला नहीं. कोई भी अपने माँ के पेट से नहीं सीख के आता यहाँ पे कैसे सर्वाइव करना है. यहाँ आता है थोड़ा सा, यहाँ पे मुश्किल होती है, यहाँ पे आप थोड़े धक्के खाते हो, लेकिन आप संभल जाते हो. आपको पता चल जाता है ऐसे सर्वाइव करना है और ऐसे ही सर्वाइवल पॉसिबल है. सो दैट्स नो इशू, आप इजी हो के अपना आओ और कोई टेंशन नहीं, काम पे मिल जाएगा. आपके अंदर वो बात होनी चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए काम करने का. काम मिलेगा, आप काम करोगे और आप इंशाल्लाह कामयाब होगे. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपना रिव्यू मुझे देना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक नहीं किया. तो तब तक एंड नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, बाय बाय.